आप सभी को और विश्वभर में भारत को प्रेम करने वाले, लोकतंत्र को प्रेम करने वाले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व पर देश अपने सभी स्वतंत्र सेनानियों को राष्ट्र रक्षा में अपने आप को दिन रात खपाने वाले, आहुत करने वाले वीर वीरांगनाओं को आज देश नमन कर रहा है। आजादी को जन आंदोलन बनाने वाले पूज्य बापू हो या आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जैसे महान क्रांतिवीर हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो या रानी गाइडी ल्यू हो या असम में मातंगिनी हाजरा का पराक्रम हो, देश के पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी हो, देश को एकजुट राष्ट्र में बदलने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भारत के भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाले, रास्ता तय कराने वाले बाबा साहब आम्बेडकर सहित देश हर व्यक्ति को, हर व्यक्तित्व को आज याद कर रहा है। देश इन सभी महापुरुषों का ऋणी है। भारत तो बहुरत्ना वसुंधरा है और भारत के हर कोने में, हर कालखंड में अनगिनत लोगों ने जिसके नाम भी शायद इतिहास की तवारीख में नहीं होंगे, ऐसे अनगिनत लोगों ने इस राष्ट्र को बनाया भी है, आगे बढ़ाया भी है। मैं ऐसे हर व्यक्तित्व का वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भारत ने सदियों तक मातृभूमि, संस्कृति और आजादी के लिए संघर्ष किया है। गुलामी की कसक, आजादी की ललक इस देश ने सदियों तक कभी छोड़ी नहीं। जय पराजय आते रहे, लेकिन मन मंदिर में बसी हुई आजादी की आकांक्षा वो कभी खत्म होने नहीं दी। आज इन सभी संघर्ष के पुरोगा, सदियों के संघर्ष के पुरोधा, उन सबको भी प्रणाम करने का वक्त है और वे प्रणाम के हकदार भी है। कोरोना वैश्विक महामारी, इस महामारी में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेस, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मी, वैक्सीन बनाने में जुटे हमारे वैज्ञानिक हो, सेवा भावना से जुड़े हुए करोड़ों देशवासियों हो, जिन्होंने इस कोरोना के कालखंड में पल पल जन सेवा में समर्पित किया है, वे भी हम सबके वंदन के अधिकारी हैं। आज भी देश के कुछ इलाकों में बाढ़ है, भूस्खलन के हुए हैं, कुछ पीड़ादायक खबरें भी आती रहती हैं। कई क्षेत्रों में लोगों को जिस मुश्किल बढ़ा दी है, ऐसे समय केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सब उनके साथ, मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई है। आज इस आयोजन में, ओलंपिक में, भारत में, भारत के युवा पीढ़ी जिसने भारत का नाम रोशन किया है, ऐसे हमारे एथलीट्स,
हमारे खिलाड़ी आज हमारे बीच में है, कुछ यहां है कुछ सामने बैठे हैं। मैं आज देशवासियों को यहां मौजूद है उनको भी और हिंदुस्तान के कोने कोने में जो इस समारोह में मौजूद है उन सबको मैं कहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में आइए कुछ पल तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। भारत के खेलों का सम्मान, भारत की युवा पीढ़ी का सम्मान, भारत को गौरव दिलाने वाले युवाओं का सम्मान देश करोड़ों देशवासी आज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे इन जवानों का देश की युवा पीढ़ी का गौरव कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। एथलीट्स ने विशेष तौर पर हम ये गर्व कर सकते हैं कि उन्होंने हमारा दिल ही नहीं जीता है लेकिन उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को भी, भारत की युवा पीढ़ी को भी प्रेरित करने का बहुत बड़ा काम किया है।